वेलकम फ्रेंड्स टू आर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट फोर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फोर का टॉपिक फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि फिल्ट्रेशन होता क्या है। इसमें हम अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते कि फिल्ट्रेशन होता है कि सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करना, मीन्स फिल्टर आउट करना सॉलिड और लिक्विड को। मैं एक जैसे मिक्सचर है आपके पास सॉलिड और लिक्विड का, तो आपको उसमें से सॉलिड अलग करना है, लिक्विड अलग करना है। तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो मीडियम होता है जिसके थ्रू ये किया जाता है, उस वो पोरस मीडियम होता है, वहाँ पर एक फ़िल्टर मीडियम लगाते हैं, मेम्ब्रेन लगाते हैं, जहाँ जिसके कारण जो लिक्विड है वो एक साइड आ जाता है और सॉलिड जो है वो एक साइड डिपॉजिट हो जाता है। फिल्ट्रेशन में ही आपका क्लैरिफिकेशन आता है। क्लैरिफिकेशन मतलब हो गया कि आपका एक जो मिक्सचर है उसमें सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू इसके लिक्विड के, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लैरिफिकेशन क्या होता है। वो मिक्सचर, वो ये प्रोसेस, जिस वो सेपरेशन जिसमें जो कंसंट्रेशन है सॉलिड का वो कम है किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है फिल्ट्रेशन की, कि जो कंटामिनेटेड वेस्ट होता है, जो हमें अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कराने का। एप्लीकेशन क्या है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो एप्लीकेशन है ये स्टरलाइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करना होता है। उसके बाद जो हमारे लिक्विड डोसेस फॉर्म होते हैं उनमें फिल्ट्रेशन का यूज होता है। फिल्ट्रेशन हम घर पर भी जो हमें वाटर होता है उनको भी हमें फ़िल्टर करना होता है, उसमें आपका यूज होता है। इंडस्ट्रियल स्केल में फिल्ट्रेशन का यूज होता है। फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज हम सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट में करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन की, बेसिकली फोर मैकेनिज्म होती है फिल्ट्रेशन की, स्ट्रेनिंग, इम्पिगमेंट, इंटेंगलमेंट और एट्रैक्टिव फोर्स। स्ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज़ होते हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको, जो मीडियम होता है उसको पास नहीं कर सकते। दूसरा इम्पिगमेंट क्या होता है कि इसमें सॉलिड जो होता है उसका वो मोमेंटम में होता है, वो मूव करता है पाथ के, जो स्ट्रीमिंग फ्लो होता है, जो हमारा फ्लो जो डायरेक्शनल वेज में जाता है उसी डायरेक्शन में हमारा जो सॉलिड है वो फ्लो कर रहा होता है और स्ट्राइक करता है फिल्टर मीडियम पे, लेकिन सॉलिड जो है वो आपका ये रिटेन कर दिया जाता है फिल्टर मीडियम के द्वारा, वो पास नहीं कर सकते। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, इंट्विड हो जाते मास से फाइबर्स के, और इसके कारण जो स्मॉलर साइज पे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पोर साइज से पास हो जाते हैं और जो सॉलिड वाले होते हैं वो नहीं कर पाते। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, जब सॉलिड फिल्टर मीडियम से पास नहीं हो पाएगा जिसके कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लगेगा आपके पार्टिकल्स और फिल्टर मीडियम के कारण, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका जनरेट होने लग जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कितने टाइप्स के फिल्ट्रेशन हमारे होते हैं। तो फिल्ट्रेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सरफेस फिल्ट्रेशन जो सरफेस पे होता है, डेप्थ फिल्ट्रेशन जो उसी कंटेनर के एकदम डेप्थ में हो रहा है। सरफेस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो आपके पोर्स और होल्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि सॉलिड जो है वो वहाँ से ना जा पाए। डेप्थ में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो हमारा एक ही जगह पे, जो स्लरी होते हैं वो एक ही पॉइंट पे बार बार ये फोर्स लगाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से अपना रास्ता बनाती है। सॉलिड जब बार बार वहाँ पे करेंगे तो उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा हो जाता है सॉलिड से, और जिस कारण सॉलिड जो है वहाँ से पास कर जाते हैं। उसके बाद सरफेस फिल्ट्रेशन में जो मैकेनिज्म होते हैं वो आपकी स्ट्रेनिंग और इम्पिगमेंट होते हैं। इसमें प्लेट्स जो होते हैं वो होल्स के साथ होते हैं और वुवन सीप्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। एफिकेसी जो है वो डिफाइंड होता है इसमें, जो कि मीन और मैक्सिमम पोर साइज होता है। डेप्थ फिल्ट्रेशन में आपका मैकेनिज्म इंटेंगलमेंट होता है, सॉलिड्स जो है वो आपके रोक दिए जाते हैं ग्रेडियंट डेंसिटी स्ट्रक्चर के कारण और फिजिकल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उस पर, और एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है कि आपके फिजिकल केमिकल दोनों को एड्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका सस्पेंशन है यहाँ पे गए और यहाँ पे फिल्टर मीडियम में ये सॉलिड जो है वो आपके फंस गए। ये सस्पेंशन है, यहाँ पे आपका केक ही बन गया, क्यों है कि ये पार कर नहीं पाए, यहाँ पे पार करके इस केक फिल्टर मीडियम में रह गए, इन्हें पार नहीं कर पाए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका
से थ्योरीज जो आपकी लगाई गई थी फिल्ट्रेशन पे, तो जो फ्लूइड पास करता है फर्स्ट मीडियम से, उसके बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है। मींस अगर आपका ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फिल्टर मीडियम है, स्लरी हमने डाली, स्लरी डाली यहाँ से पास तो हो गया, पर फिर यहाँ पे आपके जो ये रेजिस्टेंस जो आ जाती है, जो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, जो रुकावटें आ जाती है, उसके बाद हम वहाँ पे फिर वहाँ पे फोर्स लगता है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। उसके बाद उस पर प्रेशर लगाते हैं, उस फिल्टर के अक्रॉस, फिल्टर के चारों तरफ हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस कारण जो फ्लो है वो बढ़ सके। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो आपका इक्वल होता है ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस के। ये डिफरेंट थ्योरीज होती है, जो बहुत सी डिफरेंट थ्योरीज जो है फिल्ट्रेशन पे दे रखी है। पहला आता है आपका पोएशले इक्वेशन, इनके अनुसार जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का प्रेशर के अंडर होता है कैपिलरी से, और वो एक लेमिनार फ्लो में जाता है। इनकी जो इक्वेशन थी वो आपकी थी वी इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर 4/8 ईटा 8 L ईटा। डार्सी का लॉ था कि इन्होंने बताया कि जो पोएसले ने जो हमें इक्वेशन दी थी वो इनकॉर्पोरेटेड थी, वो यूज़ में नहीं आ पाई, वो सिर्फ कैपिलरी ट्यूब पे ही, कैपिलरी ट्यूब की ही दी थी। इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड है वो पोरस मीडियम से फ्लो करती है, और फिल्टर की एक ये पोरस मटेरियल से फ्लो करती है, सच है, जैसे फिल्टर केक हो गया। उसके बाद फ्लो रेट जो है वो आपका रिलेट होती है प्रेशर ड्रॉप से, कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो रेट कम होगा, फ्लो रेट बढ़ेगा तो प्रेशर रेट कम होगा। उसके बाद इस प्रोसेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया डार्सी लॉ में, और इनका इक्वेशन था वी इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। ये आपके इनके जो रूल्स थे उनके, जहाँ पे के का क्या है, ई का क्या है, ये आपको दिखा दिया मैंने। उसके बाद कोज्निक कार्मन इक्वेशन, कोज्निक कार्मन इक्वेशन ने क्या किया, इन्होंने जो डार्सी ने जो इक्वेशन दी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने उसको थोड़ा इस टाइप में लिखा कि वी इक्वल टू ए अपॉन ईटा एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू समेसन क्यू अपॉन 1 - समेसन का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स जो है वो आपके इन्फ्लुएंस करते, बेसिकली फोर फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्लरी में ये सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की पार्टिकल का शेप, साइज, चार्ज, ये सब इंक्रीज बड़ा रहता है, डेंसिटी, उसकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पार्टिकल का साइज, उसका टेंडेंसी क्या है पार्टिकल की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में डेंसिटी, विस्कोसिटी, कोरोसिवनेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इन स्लरी, इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं कि फिल्टर केक का फॉर्मेशन कितने जल्दी हुआ है, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों जो है वो कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन की, सस्पेंशन का टेम्परेचर क्या है। अब हम पढ़ेंगे फिल्टर एड्स के बारे में, कि फिल्टर एड्स क्या होते हैं। फिल्टर एड्स मतलब जो हम इनर्ट पाउडर्स जो हम डालते हैं फिल्टर मीडियम, फिल्ट्रेशन के टाइम में लिक्विड में, जो इंक्रीज करती है उसकी पोरोसिटी को और केक की परमेबिलिटी को। जो पर्पस होता है फिल्टर एड का वो ये होता है कि कोई ब्लॉकेज ना आ पाए मीडियम में, और फॉर्म हो सके एक ओपन पोरस केक, जिसके जो कि रिड्यूस कर सके फ्लो रेजिस्टेंस को फिल्टरेट पे। फिल्टर एड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इनका टू वेज यूज़ होता है। एक ये परकोट लेयर, पैरोकोट लेयर बनाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है फिल्टर मीडियम को, इम्प्रूव करता है उसकी क्लैरिटी ऑफ फिल्टर को। उसके बाद ये बॉडी फिट के लिए भी इन्हेंस किया जाता है। फिल्टर मीडिया क्या होता है कि जो सरफेस जो होता है सॉलिड का, वहाँ पे कितना ये फिल्टर मीडिया हो गया कि सरफेस पे कितना आपका सॉलिड पार्टिकल जो है वो जमा हुआ है, फिल्टर के कितना डिपॉजिट हुआ है। फिल्टर मीडिया जो होता है वो आपके बने होते हैं वोवन फिल्टर्स के, उसके बाद जिसमें आपका आता है कॉटन्स हो गए, वूल हो गए, नाइलॉन्स हो गए, स्टेनलेस स्टील्स हो गए, जो बहुत ड्यूरेबल होते। और ये नाइलॉन जो होता है सुपीरियर होता है फार्मास्यूटिकल यूजेस के लिए, कॉटन जो होता है उसको प्रीफर दिया जाता है केक फिल्ट्रेशन के कारण, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और चीप और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नॉन वूवन फाइबर्स फिल्टर में आपका इंक्लूड होता है मटेरियल्स, फैब्रिक्स जो कि ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है एक पोरस नेटवर्क को, ये डिस्कार्ड कर, ये एक ही बार यूज किया जा सकता है। उसके बाद फिल्टर पेपर एक कॉमन यूज हो गया, फिल्टर सीट और फिल्टर क्लॉथ हो गया, पोरस प्लेट हो गई, मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया,
जैसा आपका सेल्यूलोज हो गया, नाइलो सेल्यूलोज हो गया, नाइलोन हो गया, टेफ्लोन हो गया, मेम्ब्रेन फिल्टर में आते हैं। अब हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स यूज की जाती है। पहला आता है हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ये आपका सरफेस फिल्ट्रेशन पे होता है। इसमें स्लरी हम एंटर करते हैं फ्रेम से, प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं और फिल्टर मीडियम तक ये जाते हैं। उसके बाद फिल्टर जो है वो कलेक्ट हो जाता है प्लेट पे और आउटलेट में हम इसको भेज देते हैं। बहुत से नंबर ऑफ फ्रेम्स और प्लेट्स जो है वो यूज़ किया जाता है सरफेस एरिया पे, और ये इनका एरिया जो है वो बढ़ जाता है इस कारण, और जो वॉल्यूम होती है स्लरी की वो एक बार में वाशिंग और विदाउट वाशिंग दोनों यूज़ कर ली जाती है। डायग्राम इसका देख लीजिए आप। डायग्राम ऐसा होता है, अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका वाश वाटर हो गया, यहाँ पे ये आपका इनलेट हो गया, यहाँ पे हम डालेंगे ये आपकी प्लेट हो गई, ये आपकी फिल्टर क्लॉथ हो गई, फ्रेम हो गया, उसके बाद ये दो होल्स है जो कि कंटिन्यूस चैनल से फॉर्म करते, उसके बाद ये एंड प्लेट हो गया, और ये सेंट्रल स्क्रू कैच। ये फिल्ट्रेट यहाँ से आपका आउटलेट, ये जो फिल्ट्रेट है वो आपका निकलेगा। असेंबल कैसे किया जाता है प्लेट और फ्रेम फिल्टर को? कंस्ट्रक्शन की फिल्टर प्रेस जो होती है वो आपके बनी दो टाइप्स के यूनिट से बने होते हैं, प्लेट और फ्रेम से, जो कि एल्युमिनियम एलॉय यूज किया जाता है, जिसमें ये लैक्वर्ड से जो कि प्रोटेक्शन करती है हमारी कोरोसिव केमिकल्स और मेड सुटेबल और से बनाती है, स्टीम स्टीलाइजेशन के लिए सुटेबल बनाती है। फ्रेम क्या करता है कि ये कंटेन करता है एक ओपन स्पेस को जहाँ पे स्लरी जो है वो रखा जा सके और मेंटेन फिल्ट्रेशन के लिए रखा जा सके, और इनलेट जो है हम वहाँ से स्लरी को रिसीव कर सके। ये दो डॉट्स से डिस्क्रिप्शन में आप बताया जाता है कि पहला स्लरी इनलेट हो गया, दूसरा हैंडल कि कैसे हम इसको हैंडल कर सके। उसके बाद फ्रेम जो होता है वो उसकी थिकनेस अलग अलग होती है जैसे हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद ये सिलेक्ट किया जाता है थिकनेस ऑफ केक पे फिल्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद ऑप्टिमम थिकनेस जो होती है फ्रेम की वो भी चूज़ की जाती है। प्लेट क्या हो गया, प्लेट जो हो गया वो स्टडेड और ग्रुप सरफेस हो गया जो सपोर्ट करता है फिल्टर क्लॉथ पे और आउटलेट में। ये इंडिकेट किए जाते हैं वन डॉट इन डिस्क्रिप्शन। प्लेट जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है फिल्टर मीडियम को, रिसीव करता है फिल्ट्रेट और आउटलेट को। फिल्टर मीडियम जो हो गया वो आपका यूजुअली क्लॉथ होता है, इसमें जो कि प्लेट और फ्रेम के बीच में डाला जाता है। प्लेट फिल्टर मीडियम, फ्रेम फिल्टर मीडियम और प्लेट जो है वो आपका एक सीक्वेंस में अरेंज होता है जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था। उसके बाद ये डॉट्स से डिस्क्राइब किया जाता है, 1 2 1 2 1 इस हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेट्स और फ्रेम जो होते हैं इम्प्लॉय किए जाते हैं जिसके कारण फिल्ट्रेशन एरिया जो है वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट के कारण ये जो होते हैं ये पैरेलल सीरीज में अरेंज होता है। जो चैनल्स होते हैं स्लरी के इनलेट और फिल्ट्रेट जो होते हैं वो आउटलेट होता है, और उसको अरेंज किया जाता है फिटिंग आइज से प्लेट और फ्रेम्स के, जो कि ज्वाइन किया जाता है और फॉर्म करता है एक चैनल को। कुछ टाइप में ओनली एक ही इनलेट चैनल जो है वो फॉर्म होता है, जबकि हर एक प्लेट में आउटलेट के लिए इंडिविजुअल ये कंट्रोल्ड होते हैं वाल्व्स के, मतलब आउटलेट के लिए अलग अलग जो ये प्लेट कंट्रोल वाल्व्स होते हैं। वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग इसकी दो टाइप्स में डन की जाती है, एक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन और एक वाशिंग ऑफ केक की, अगर डिजायरेबल हो तो। फिल्ट्रेशन केक में क्या होता है कि स्लरी जब है अंदर डालते हम फ्रेम के, उसके बाद ये फीड चैनल पे जाती है और वहाँ से पास करती है फिल्टर मीडियम के सरफेस ऑफ प्लेट के। उसके बाद सॉलिड जो है आपका फिल्टर केक बनाती है और फ्रेम में ही रह जाती है। जो थिकनेस होती है केक की वो आधी हो जाती है फ्रेम में, फ्रेम के थिकनेस से, क्योंकि हर एक साइड पे आपका फ्रेम फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद टू फिल्टर केक्स जो है वो फॉर्म होते हैं जो बाद में मिलते हैं इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम के। उसके बाद जो फिल्टर है वो आपका ड्रेन कर दिया जाता है प्रोजेक्शन से सरफेस ऑफ द प्लेट के, और वहाँ से फिर उसको निकाल दिया जाता है आउटलेट के थ्रू। जैसे ही फिल्ट्रेशन प्रोसीड होता है तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है केक का वो इंक्रीज कर देते हैं और फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद आपका कुछ पॉइंट पे जो प्रोसेस है वो रोक दी जाती है, और
जो आपका ये फ्रेम होता है उसको एम्प्टी कर दिया जाता है और साइकिल को फिर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। वाशिंग ऑपरेशन, जब केक को वाश करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मॉडिफाइड प्लेट और फ्रेम फिल्टर की। इसके लिए एडिशनल चैनल जो है उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे वाशिंग प्लेट कहते हैं, और ये आइडेंटिफाई किया जाता है बाई डॉट थ्री से। जैसे ही वाशिंग हाफ ऑफ ये वाशिंग प्लेट जैसे ही आधा होता है, वहाँ पे कनेक्शन होता है वाश वाटर का, कैनल का और सरफेस ऑफ प्लेट पे। जो सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट का फ्रेम का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट्स से, जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं। प्रोसीजर क्या है वाशिंग वाशिंग का? फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसीड करते हैं ऑर्डिनरी वे में, जब तक फ्रेम जो है वो फिल्ड ना हो जाए केक से। उसके बाद हम फिल्टर केक को वाश करते हैं और आउटलेट जो होता है वाशिंग प्लेट का उसको क्लोज कर देते हैं, जहाँ से निकलने वाला होता है वहाँ से हम उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम पंप को स्टार्ट करते हैं वाश वाटर के, और वाशिंग चैनल को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वाटर एंटर करता है इनलेट में, सरफेस जो होती है वाशिंग प्लेट की वो आपकी मिक्स होनी स्टार्ट लग जाती है। वाटर जो है वो पास होता है फिल्टर क्लॉथ से और एंटर कर जाते हैं फ्रेम पे, जो कि कंटेन करता है केक को। उसके बाद जो वाटर है वो आपके केक को वॉश करता है और उसको फिर फिल्टर क्लॉथ पे और उसको एंटर कराता है प्लेट में डाउन द सरफेस। उसके बाद फाइनली उसको हम वॉश करके स्केप आउट करा देते हैं आउटलेट से प्लेट के। ये आपका डायग्रामेटिक प्रोसीजर है कि कैसे होता है। ये 1 3 1 3 1 3 1, ये जो डॉट है ये आपका स्लरी है, उसके बाद ये वाश वाटर है 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका फिल्टरिंग कर रहा है और बी आपका वाशिंग कर रहा है। कुछ थिंग्स जो हमें देख लेनी चाहिए कि वाटर जो होता है वाश, ये इफ़िशेंटली सिर्फ फ्रेम्स पर ही फुल करते हैं फिल्टर केक के साथ। अगर सॉलिड हमारा फिल नहीं है फ्रेम में कम्प्लीटली, तो वाश वाटर जो है वो आपका जो केक है वो आपका ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और वाशिंग जो है वो लेस इफेक्टिव होगी। इसेंशियल जो फ्रेम जो है, फ्रेम बिकम कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाशिंग केक। हमें चाहिए, हमें मतलब जो हमारा फ्रेम हो उसमें जो केक हो वो पूरा फिल होना चाहिए। उसके बाद ये हेल्प ये इम्पिंग नहीं करा पाएगा फ्रेम को, लेकिन वाशिंग कर सकता है केक को करेक्टली। मतलब ये आपको फ्रेम जो केक है उसे भले बाहर ना निकाल सके, पर केक को बढ़िया से ये उसको वास कर देगा। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके दो मशीन्स बच रहे हैं और हमारा कार्ट्रेज फिल्टर बच रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इतना ठीक है कि आप इतना समझ भी लोगे। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में करके बता देना, हम उसकी अलग से हम आपको उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू।